तो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो टुडे इज फ्राइडे एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे बैक को। एंड आज मेरे साथ एक नया दोस्त जाने वाला है एंड उसके साथ मिलकर ट्रेन करेंगे। वैसे तो मैं किसी को अपने वीडियो में अब तक नहीं लाया हूँ एंड क्योंकि जिम में बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है, तो मोस्टली जिसकी वजह से मैं किसी को उसका शूट नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि कैसे कैसे जल्दी अपना वर्कआउट खत्म करके निकल लूँ वहां से, क्योंकि ज्यादा समय तक रहूंगा तो बातचीत पे टाइम वेस्ट होगा। तो देखते हैं, अगर सब बहानों को साइड करके आज हम ट्राई करेंगे किसी को अपने कैमरे में शूट करने के लिए। एंड शुरू करते हैं आज पुलअप से। एंड अभी मैं जस्ट क्रिकेट खेल के घर पर आके थोड़ा सा फ्रेश होकर निकल रहा हूँ सीधा जिम। एंड वैसे भी कोई प्री वर्कआउट नहीं लिया, फिर कोई प्री वर्कआउट में नहीं लिया, बस अपना क्रिएटिन को पिया है मैंने अराउंड 4 ग्राम। एंड उसी हिसाब से चलते हैं जिम। एंड ऑलरेडी मैंने 2 मील, मतलब जो मेन मील है, पहला था ओट्स एंड सेकेंडली हमने जो लंच किया था उसमें मैंने बहुत सारे कार्ब्स खाए थे एंड विद ए प्लेंटी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो देखते हैं कैसा तगड़ा वाला पंप आता है, क्योंकि मोस्टली मैं पहले 4 दिन सुबह ही ट्रेन करता हूँ, तो वो जो पंप आता है, वो जो अननेचुरल वाला पंप आता है, वो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ सुबह के टाइम में। मगर जब मैं इवनिंग में जाता हूँ, इवनिंग पार्ट सेक्शन में, तो उस टाइम पे पंप बहुत ही अमेजिंग आता है एंड खुद को अनरियलिस्टिक फील होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट पुलअप से। एंड वो जो वर्कआउट का मैं वॉइस ओवर करूंगा, क्योंकि वीडियो में मैं आके बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो वॉइस क्लियर नहीं रहता एंड प्रॉपरली मैं आपसे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता एंड चीजों को शेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने बोला था मुझे आके कि इधर एक माइक यूज करो या फिर वॉइस ओवर कर ले। तो मुझे वॉइस ओवर करना अभी के लिए सही लग रहा है, क्योंकि माइक के लिए मैं अभी तक गया नहीं। तो जैसे भी करके ट्राई करेंगे आप तक बेस्ट थिंग पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो गाइज, दिस इज़ अ फर्स्ट सेट ऑफ न्यूट्रल ग्रिप लैट्स पुल डाउन, जहाँ पे मैंने 40 किलो पे मेरा पहला सेट मारा। तो आप देख पा रहे हो मैं कैसे इस एंट्री को कंट्रोल करके स्लोली रिलीज करता हूँ अपने नेगेटिव को, एंड इसी की वजह से मैं सिर्फ 2 ही सेट लगाता हूँ एंड मेरे लैट्स एकदम फटीक तक ट्रेन हो पाते हैं एंड मुझे और सेट्स मारने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी बॉडी और एनर्जी मुझे प्रोवाइड कर पाती है और सेट्स मारने की। तो इसके बाद मैंने और 2 सेट 45 किलो पे ट्रेन किया, क्योंकि 40 किलो पे मैं मेरा जो 1 मिनट टाइम बैरियर है उसको क्रॉस कर देता था। सो ये गाइस आवर सेकेंड सेट ऑफ न्यूट्रल ग्रिप लैट्स पुल डाउन 45 किलोज पे, एंड इस पर अराउंड मेरा टाइम जो ड्यूरेशन था वो अराउंड 45 से 47 सेकेंड तक था, जितना मेरा याद है मेरे दोस्त ने बताया। एंड सेम एक जो पॉज देता हूँ, फिर स्लो रिलीज एंड देन अ पुल, एंड ये है हमारा पहला वर्टिकल पुल। I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh.
एंड दिस इज अ फाइनल सेट, सेम 45 क्लोज पे था एंड मैं डिफरेंट एंगल से वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मेरे लैड्स हैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखे एंड जो मसल फाइबर्स हैं अच्छे से आपको शोकेस हो पाए। मगर हमारे जिम का जो लैड्स पुल डाउन मशीन है मैं आपको पीछे से शो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पीछे वॉल है जिसकी वजह से मुझे वो स्पेस नहीं मिल पाता एंड सिर्फ मुझे मेरा जो फ्रंट एंगल है उसी से ही अपना वीडियो को एडजस्ट करना पड़ता है कैमरा को फ़ोन को। तो एंड डिफरेंट एंगल से बनाने में भी आप लोग एंगेज रहेंगे मेरे वीडियो में, वरना एक एक एंगल से बनाने से आप बोर हो जाएंगे एंड वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। सो दिस इज़ द ट्रिक एंड इसके बाद हम जाएंगे मिड्रो जो कि होगा हमारा पहला सेकेंड वर्कआउट ऑफ आवर बैक एंड वो एक हॉरिजॉन्टल पुल है, ठीक है। एंड फर्स्ट सेट हमने 20-20 किलो से शुरू किया था इच साइड, तो यहाँ पे मैं टाइम बैरियर जो 1 मिनट का था उसको क्रॉस कर दिया था जिसकी वजह से हमने सेकेंड सेट पे इच साइड 25 किलो स्टार्ट किया एंड टोटल लोड जो था वो 50 किलोज का था हमारे बैक पे एंड सेम इसेंट्रिक पे स्लो डाउन एंड एक पुल फिर एक होल्ड एंड स्लो रिलीज एंड इसकी वजह से हमारा बैक बहुत जल्दी ही सोर हो जाता है एंड हमको कम टाइम में अच्छे खासे रिजल्ट मिल पाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो हिप से उसको पीछे एडजस्ट करके रखना है एंड उसी हिसाब से आपको अपना सीट को एडजस्ट करना है। एंड इस हॉरिजॉन्टल पुल से हमारा रियर डेल्ट काफ़ी हद तक ट्रेन हो जाता है जिसकी वजह से हम रियर डेल्ट को बैक के साथ ट्रेन कर देते हैं एंड उसको कोई एक्स्ट्रा जो शोल्डर डे है उसके साथ नहीं रखते क्योंकि वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड रियर डेल्ट आपका एक तो बॉडी का बहुत ही अच्छा मसल है एंड आपको कोई भी मसल को अपना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में जब आप अपने बॉडी को शोकेस करोगे तो आपको कहीं पे भी कमियां दिखेंगी तो आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली अपने रियर डेल्ट को भी ट्रेन करें एंड हर एक मसल पार्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपने मेजर मसल ग्रुप्स को देते हो, ठीक है। Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See, we're the crowd, see. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me, so they doubt me. They don't know nothing about me, so their mouth free. I'ma change that soon, better watch out now, see. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your brain. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit, man, I'm all in. So guys, back का वर्कआउट हो चुका है खत्म and अभी हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे रियर डेल्ट्स को। तो इसके अभी से हम 3 सेट मारेंगे एंड मैंने तीनों सेट
30 किलो पे ट्रेन किया। आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल एक्सरसाइज है एंड ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके एडल्ट को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल बॉडी स्टेबल रहता है जो पेकडेक मशीन है। बस आपको अपने आर्म्स को आगे पीछे करते रहना है, ठीक है, एंड सीट हाइट को थोड़ा ऊँचा रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड आपके रियर डेल्ट के मसल फाइबर पाए। एंड पोजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ। ये आपको अपने जो मसल्स को दिखाता है कि कहाँ पे आपका कमी है एंड कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ताकि आप उस टाइप के मसल पे ज़्यादा काम कर पाओ एंड उसको डेवलप करने में आप ज़्यादा एफर्ट दे पाओ, ठीक है। एंड ये आपका जो प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखाता है कि आपने जिस मसल पे काम किया है वो कैसा ग्रो हुआ है एंड कितना रिजल्ट आपको मिला है उस पर्टिकुलर मसल एरिया में, ठीक। They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negative. So guys, at the end humne train kiya hamare forearm ko, and this is one of the best exercise I love to do, and iski wajah se mere forearm mein bhi kafi acche changes aaye hain। एंड मेरा जो राइट हैंड का साइड का फोर आर्म है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, इवन दो माय राइट हैंड साइड वाज ब्रोकन। इसका हमने 3 सेट मारा, मगर तीसरे सेट में हम फेल कर गए, मतलब सिर्फ 2 ही रेप मारे थे, मेरे फोर आर्म ने गिव अप कर दिया था। तो प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ तो हमने सिर्फ 2 ही सेट मारे टिल फेलियर। They want me to
सो गाइस एट द एंड हम ट्रेन करते हैं हमारे ऐप्स को, एंड पिछले इस वीक में हमने हमारे ऐप्स को बहुत स्किप किया था, जिसकी वजह से हम इस फ्राइडे में हमने 4 सेट मारे ऐप्स के, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमने ऐप्स को शायद ट्रेन नहीं किया था, मिस किया था, जिसकी वजह से वो जो वीक 4 दिनों के 4 सेट हमने आज ही कंप्लीट किए। फिर कल हम और 2 सेट मारेंगे ताकि वो जो 6 स्ट्रीक है हमारा ऐप्स को ट्रेन करने का वो कंप्लीट हो पाए। एंड ऐप्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मसल ऑफ योर ओवरऑल बॉडी, एंड बहुत बंदे इसको ट्रेन नहीं करते, इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड जब वो रियलाइज़ करते हैं तो उस टाइम पे बहुत लेट हो जाता है, एंड जब वो ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है। मगर अगर आप रोज़ इसको ट्रेन करते रहेंगे छोटे छोटे टाइम पीरियड में तो आपको एट दी एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एंड आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ना ही वो आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. So this is a post workout meal, a slice of watermelon. It's a black salt. And after that, we have to eat some certain meal, any kind of digestive issue will be coming up. Okay, but. ये था आज का बैक वर्कआउट। आज सिर्फ हमने 2 ही वर्कआउट लगाया, क्योंकि 2 ही वर्कआउट में इतने सही से मारा आज कि मेरा बैक और तीसरे वर्कआउट के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, मतलब बैक एकदम सो उठ गया। सो गाइस ये है आज के रात का डिनर एंड लास्ट मील ऑफ 15th, एंड इसमें है अराउंड 100 से 150 ग्राम का पनीर विथ कैरेट एंड ओनियन एज वेजीज, एंड उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के मम्मी ने बनाया था सब्जी। एंड ये है दाल जिसमें मैंने रॉ पपाया डाला हुआ है फॉर फाइबर एंड ऑल, एंड ये है 3 होल व्हीट का इंडियन ब्रेड। तो इसको ख़त्म करके मैं आपको सीधा मिलता हूँ आज के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है।